हाय दोस्तों, मैं गौतम कुमार आप सभी के लिए न्यू सेशन का दूसरा वीडियो लेकर के आया हूं। उससे पहले उम्मीद करता हूं कि आप सभी अपने एटीट्यूड के अनुसार अपनी ज़िंदगी को खुशहाल पूर्वक जी रहे हैं और अपने व्यवहार को इस प्रकार बनाए रखें ताकि किसी भी जीव जंतु को कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं हो रही है। तो चलते हैं दोस्तों, न्यू सेशन का जिसका नाम है स्टॉक मार्केट, उसका दूसरा वीडियो पर चर्चा करते हैं। स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट या शेयर बाज़ार, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इसको 49 भाषाओं में दर्शाया गया है। उसमें से एक है हिंदी भाषा, जिसके द्वारा मैं चर्चा करूंगा, शेयर बाज़ार के बारे में जानने की कोशिश करूंगा। तो चलते हैं दोस्तों, शेयर बाज़ार, इक्विटी बाज़ार या शेयर बाज़ार स्टॉक के खरीदारों और विक्रेताओं, जिन्हें शेयर भी कहा जाता है, का एकत्रीकरण है, जो व्यवसायों पर स्वामित्व के दावों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इनमें सार्वजनिक स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध प्रतिभूतियों के साथ साथ ऐसे स्टॉक भी शामिल हो सकते हैं जिनका केवल निजी तौर पर कारोबार किया जाता है, जैसे कि निजी कंपनियों के शेयर, जो इक्विटी क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से निवेशकों को बेचे जाते हैं। निवेश आमतौर पर एक निवेश रणनीति को ध्यान में रखकर किया जाता है। इसे अगर अपने शब्दों में बोला जाए तो ऐसा कहा जा सकता है कि जो एक्सचेंज में लिस्टेड कंपनी है, उसका शेयर का खरीद बिक्री इन्वेस्टर एवं प्रमोटरों के द्वारा होता है। थोड़ा सा बाजार आकार पर ध्यान देंगे। बाजार का आकार, इसके बारे में थोड़ा सा हिस्ट्री भी जानेंगे। इसमें जैसा कि दुनिया भर में सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाले सभी शेयरों का कुल बाजार पूंजीकरण 1980 में 2.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2020 के अंत में 93.7 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। 2016 तक दुनिया में 60 स्टॉक एक्सचेंज है, ऐसे समझिए कि मार्केट है, बाज़ार है, जहां पर कि कंपनी अपना शेयर का खरीद बिक्री करती है। इनमें से 1 ट्रिलियन डॉलर या उससे अधिक के बाज़ार पूंजीकरण वाले 16 एक्सचेंज हैं और वैश्विक बाज़ार पूंजीकरण में उनका योगदान 87% है। ऑस्ट्रेलियाई सिक्योरिटीज एक्सचेंज के अलावा ये 16 एक्सचेंज उत्तरी अमेरिका, यूरोप या एशिया में हैं। जनवरी 2022 तक सबसे बड़े शेयर बाज़ार संयुक्त राज्य अमेरिका लगभग 59.9% में है। इसके बाद जापान लगभग 6.2% और यूनाइटेड किंगडम लगभग 3.9% है। अब थोड़ा विस्तार पूर्वक शेयर बाज़ार। शेयर बाज़ार स्टॉक एक्सचेंज एक एक्सचेंज या एक्सचेंज है जहां स्टॉक ब्रोकर और व्यापारी शेयर, इक्विटी स्टॉक, बॉन्ड और अन्य प्रतिभूतियां खरीद और बेच सकते हैं। कई बड़ी कंपनियों के स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होते हैं, यानी कि रजिस्टर्ड होते हैं। यह स्टॉक को अधिक तरल बनाता है और इस प्रकार कई निवेशकों के लिए अधिक आकर्षक होता है। एक्सचेंज निपटान के गारंटर के रूप में भी कार्य कर सकता है। इन और अन्य शेयरों का कारोबार ओवर द काउंटर OTC यानी डीलर के माध्यम से भी किया जा सकता है। कुछ बड़ी कंपनियां अपने स्टॉक को विभिन्न देशों में एक से अधिक एक्सचेंजों पर सूचीबद्ध करेंगी ताकि अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों को आकर्षित किया जा सके। स्टॉक एक्सचेंज अन्य प्रकार की प्रतिभूतियों को भी कवर कर सकते हैं, जैसे निश्चित ब्याज प्रतिभूतियां, बॉन्ड या कॉम अक्सर डेरिवेटिव, जिनका OTC कारोबार होने की अधिक संभावना होती है। शेयर बाजार में व्यापार का अर्थ है विक्रेता से खरीदार को स्टॉक या सुरक्षा का स्थानांतरण पैसे के बदले में। इसके लिए इन दोनों पक्षों को कीमत पर सहमत होना आवश्यक है
इक्विटी स्टॉक या शेयर किसी विशेष कंपनी में स्वामित्व हित प्रदान करते हैं। शेयर बाजार में प्रतिभागियों में छोटे व्यक्तिगत स्टॉक निवेशकों से लेकर बड़े निवेशक शामिल हैं, जो दुनिया में कहीं भी स्थित हो सकते हैं, और इसमें बैंक, बीमा कंपनियां, पेंशन फंड और हेज फंड शामिल हो सकते हैं। उनके खरीदने या बेचने के ऑर्डर उनकी ओर से स्टॉक एक्सचेंज व्यापारी द्वारा निष्पादित किए जा सकते हैं। कुछ एक्सचेंज भौतिक स्थान है जहां लेन देन ट्रेडिंग फ्लोर पर ओपन आउटक्राई नामक विधि द्वारा किया जाता है। इस पद्धति का उपयोग कुछ स्टॉक एक्सचेंजों और कमोडिटी एक्सचेंजों में किया जाता है, और इसमें व्यापारी बोली लगाते हैं और कीमतों की पेशकश करते हैं। दूसरे प्रकार के स्टॉक एक्सचेंज में कंप्यूटर का एक नेटवर्क होता है जहां व्यापार इलेक्ट्रॉनिक रूप से किया जाता है। ऐसे एक्सचेंज का एक उदाहरण नैस्डैक है। एक संभावित खरीदार किसी स्टॉक के लिए एक विशिष्ट कीमत की बोली लगाता है और एक संभावित विक्रेता उसी स्टॉक के लिए एक विशिष्ट कीमत पूछता है। बाजार में खरीदने या बेचने का मतलब है कि आप स्टॉक के लिए कोई भी मांगी गई कीमत या बोली कीमत स्वीकार करेंगे। जब बोली और पूछी गई कीमतें मेल खाती है तो बिक्री पहले आओ पहले पाओ के आधार पर होती है। यदि किसी दिए गए मूल्य पर कई बोली लगाने वाले होते हैं, स्टॉक एक्सचेंज का उद्देश्य खरीदारों और विक्रेताओं के बीच प्रतिभूतियों के आदान प्रदान को सुविधाजनक बनाना है, इस प्रकार एक बाजार प्रदान करना है। एक्सचेंज सूचीबद्ध प्रतिभूतियों पर वास्तविक समय के ट्रेडिंग जानकारी प्रदान करते हैं, जिससे मूल्य खोज की सुविधा मिलती है।